Hey an awesome. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर अवन शर्मा आप लोगों के लिए प्रिलिमस एनरिचमेंट करंट अफेयर्स के हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के सेशन नंबर टू के साथ हाई एवरी वन क्या हाल चाल हैं कैसे हैं आप सब लोग गुड इवनिंग आई होप मेरी आवाज आप लोगों तक एकदम बढ़िया एकदम क्लियर पहुँच रही है गुड इवनिंग रुचि अश्वनी साहिल आशा अभय वैष्णवी रिजवाना प्रणब मेहवाश गौरी सौम्या शिप्रा आशीष अभय हेलो हाउ आर यू ऑल डूइंग कैसे हैं आप सब लोग क्या हाल चाल गुड इवनिंग नीलम एंड डॉक्टर पिंकी हेलो सो so, आपने देखा होगा कल हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवरअप करी थी है ना ऑल दो जो हमारा सेशन था वो ज़्यादा लंबा नहीं था कल का है ना वन आर का ही सेशन था और मैं आपके लिए वन वन आर की सेशन रखा करूंगा ये वाले बट जी सेशंस आर रियली ऑर प्रलिम्स एनरिचमेंट सेशन जैसे कि मैंने अपने पहले सेशन के अंदर ही बता दिया था एनरिचमेंट का मतलब मतलब होता है इन्हैंसमेंट एक ऐसी चीज़ जो कि आपको एनहेंस करे आपके नंबर बढ़ाए और डेफिनेटली आप लोग ये वाले जो सेशन मेरे साथ करोगे इनसे आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा इजाफा आपको देखने को मिलने वाला है चलिए स्टार्ट करने से पहले गाइज़ अ बिग अपडेट फॉर यू तो फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के जो प्राइजेज हैं वो बढ़ने वाले हैं तो अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आपको जिस कोड का इस्तेमाल करना है दैट इज़ एम एस लाइव दिस इज़ द डिस्काउंट कोड ये डिस्काउंट कोड है अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा तो अभी बस तीन दिन बचे हैं फर्स्ट ऑफ अगस्त के डिस्काउंट को अवेल करने के लिए तो जल्दी से आप लोग अपना अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि अभी जिस डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रहा है इससे कम तो अभी तक भी हम लोगों ने कभी भी ऐसा ऑफ़र नहीं निकाला इट इज़ the राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर यू पी एस सी सी एस सी प्रिपरेशन अब आपको एक और चीज़ है अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो एक साल नहीं जब तक दो हज़ार बाईस का मीन्स नहीं हो जाता तब तक का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है या जब दो साल का लेते हो जब तक का दो हजार तेईस का मीन्स नहीं हो जाता तब तक का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो आपको इतनी सारी चीज़ें एक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाली हैं ठीक है इसके साथ साथ ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस टेन परसेंट का ऑफ चल रहा है दो साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो यू आर नॉट विद योर रिजल्ट वी विल प्रोवाइड यू वन ईयर एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको एक साल का हम एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे ठीक है चलिए कल हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें करी थी है ना हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखा था रुद्रेश्वर टेम्पल लिंगराज टेम्पल यहाँ पर हम लोगों ने यूनेस्को की साइट्स के बारे में कवर किया था जैसे वो कनार्गसन टेम्पल की साइट है विट्ठल टेम्पल की साइट है पशुपति टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल है हम लोगों ने केव पेंटिंग्स के बारे में कवर किया था शुलवेसी आर्ट के बारे में कवर अप किया था मैंने आपको इंडियन स्टोन एजेस के बारे में बताया था इन इस लोगों ने इसका बेसिक क्लासिफिकेशन भी किया था फिर मैंने आपको अपर प्लियथिक म्यूजियोलिथिक और न्योलिथिक केव पेंटिंग्स के बारे में बताया था हम लोगों ने कवर किया था अजंता केव्स बाघ केव्स बदामी केव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस केव पेंटिंग्स जो इंडिया के अंदर हैं वो हम लोगों ने देखी थी इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल टॉयज इंडस्ट्री है उसको हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर किया था और बहुत सारे अलग अलग जगहों के जो टॉयस थे हम लोगों ने उनको भी देख लिया था ठीक है हम लोगों ने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स देखे थे जैसे मान लो कोलम ड्राॅइंग वॉर्ली पेंटिंग हम लोगों ने देखी थी मधुबनी पेंटिंग्स हमने देखी रोगन पेंटिंग देखी मोनपा का हैंडमेड पेपर हम लोगों ने देखा पुलिकली के जो बहुत ही फेमस है जहाँ पर मैंने आपको बताया था अपनी बॉडी को टाइगर की तरह पेंट करते हैं हम लोगों ने उसको कवर अप किया था हम लोगों ने ढोकरा डेकोरेटिव पीसेस देखे जो कि वेस्ट बंगाल के फेमस हैं इनका जो बैकग्राउंड है ये ये समझते हैं मतलब ऐसा इनकी मान्यता है कि जो डांसिंग गर्ल है जो मोहन में देखने को मिली वहाँ से ये इंस्पायर्ड है ठीक है ये वाली चीज़ें हम लोगों ने देखी हम लोगों ने इंडिजीनियस स्पोर्ट्स के बारे में कवर किया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कलारी पैट्टू मलखम के बारे में घटका के बारे में और थांगटा के बारे में लास्ट बट नॉट द लीस्ट कल के सेशन में हम लोगों ने प्रबुद्ध भारत जनरल के बारे में पढ़ाई करी थी आज हम लोग इस जनरल से थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है मियाज ऑफ असम एंड देयर चार चपूरी कल्चर ना आपको याद होगा ये न्यूज में था the मियाज ऑफ असम एंड देयर चार चपोरी कल्चर प्रपोजल आया असम स्टेट गवर्नमेंट के पास मिया म्यूजियम के बारे में जो कि चार चपोरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी हेरिटेज को दुनिया के सामने रख सकें तो सबसे पहले हमें कवर अप करना है कि हु आर दीज मियाज़ कि मियाज है कौन न मिया इज़ अ कम्युनिटी दैट कंप्राइज ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ मुस्लिम माइग्रेंट्स जो कि ईस्ट बंगाल से जो कि अभी बांग्लादेश है वहाँ से माइग्रेट होके असम के अंदर आ गए ठीक है मियाँ अ कम्युनिटी जो कि उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो लोग जब बंगाल मतलब जब बंगाल विभाजित हुआ था 1947 के बाद और जो ईस्ट बंगाल था ठीक है वहाँ से जो लोग थे वो असम के अंदर आ गए ठीक है जिसको अभी हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं इनको क्या बोला जाता है इनको मियाज़ के नाम से बोला जाता है ऑफ़न इन अ वेरी डेरोगेटरी मैनर द कम्युनिटी माइग्रेटेड इन सेवरल वेवस है ना ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ असम एटीन ट्वेंटी सिक्स उस समय पर लोगों ने माइग्रेट किया उसके साथ साथ जब पार्टीशन का मुद्दा आया उस समय लोगों ने माइग्रेट किया फिर 1971 जब बांग्लादेश लिब्रेशन की बात हुई उस समय पर भी लोगों ने माइग्रेट किया और धीरे धीरे असम का जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वो बदलता रहा इस रीजन के अंदर जो इंडिजीनियस लोग हैं वहाँ पर सिक्स इयर्स लॉन्ग वॉर भी चली एंटी फॉरनर असम एजिटेशन चली इसका कहीं ना कहीं रिलेशन आप लोग आज के डेट में एनआरसी से भी देख सकते हो क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग माइग्रेट हुए दे आर टेकिंग ओवर देयर देयर जॉब्स दे आर टेकिंग ओवर देयर लैंग्वेज दे आर टेकिंग ओवर देयर कल्चर इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है ना वट इज़ दिस चार चपोरी चार मतलब चार का असमीज़ में मतलब होता है सैंड बार चार का असमीज में मतलब होता है सैंड बार ठीक है और चपोरी इज अ फ्लड प्रोन रिवर बैंक अब ये जो एरिया है, दे आर एसोसिएट विद माइग्रेंट्स मुस्लिम्स ऑफ बंगाल और जिनको लोग बांग्लादेशी कहते हैं चार चपोरी का जो एरिया है वो बेसिकली रिवराइन एरिया है लोअर और सेंट्रल असम का जिसको मेनली बंगाली मुस्लिम्स कंपोज कम, कंप्रोमाइज करते हैं तो यहाँ पर दे आर यूज इंटरचेंजेबली और विद हाइफन चेंजिंग शेप्स चार कैन बिकम चपोरी तो दीज आर फ्लड प्रोन एरिया ठीक है एट्टी परसेंट जो इस एरिए की जो पॉपुलेशन है इट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन सो दिस वॉज इन न्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि ये मियाँ मिया लोग हैं कौन असम के और ये चार चपोरी वाला कल्चर क्या है यू एन डी पी असम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ये जो चार वाला एरिया है ये बताया गया कि यहाँ पर कम्युनिकेशन डेफिसिट है इस एरिए में एडिकुटिक स्कूलिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर गर्ल चाइल्ड मैरिज़ के बहुत सारे केसेस हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पॉवर्टी कंडीशन में रहती है और इलिटरेट है वाइल्ड बेंगोली औरिजन मुस्लिम्स प्राइमरली ऑक्यूपाई दीज आइलैंड्स बाकी जो कम्युनिटी है चाहे वैसे मिसिंग हैं ड्योरीज हैं कचारीज हैं नेपालीज हैं वो भी इस जगह पर रहती हैं ठीक है थीके? तो ये न्यूज में था नाउ मूविंग ऑन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री डिस्कवर्ड इन झारखंड गाइस एक बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री को झारखंड में डिस्कवर किया गया नौ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को कहाँ से अनर्थ किया हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पर खोजी गई की फाइंडिंग क्या थी द फाइंडिंग्स आर मेड इन भुरानी विलेज जो कि जुलझुर जुलजुल पहाड़ जो सीतागढ़ी हिल्स हैं वहाँ पे लोकेटेड हैं ये जो मोनेस्ट्री है ये माना जाता है ये कम से कम 900 साल पुरानी मोनेस्ट्री है जो कि यहाँ पर देखने को मिली और इसमें सबसे खास बात आपके लिए एग्जाम रिलीवेंट ये है कि ये पाल पीरियड से बिलोंग करती है मोनेस्ट्री खोजी गई जो कि पाल पीरियड से बिलोंग करती है यहां पर चार स्टैचू डाइटी तारा की देखने को मिली वो भी वरद मुद्रा के अंदर वरद मुद्रा ऑफ हैंड्स शोइंग डिस्पेंसिंग ऑफ वरद मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है जिसमें आशीर्वाद देने की मुद्रा होती है जो आशीर्वाद देने की मुद्रा होती है उसे हम लोग वरद मुद्रा कहते हैं आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देवी तारा की तस्वीर देख सकते Now, देवी तारा Tara is known as a इन in एंड अ फीमेल बोधी Bodhisattva. Now who आर बोधी सतवा यहाँ पर एक और चीज़ हमारे लिए आती है एग्जाम रिलेवेंट कि ये जो बोधी सतवाज हैं ये कौन हैं बोधि सतवाज आर दोस्त जिन्होंने बुद्ध जैसा एनलाइटमेंट तो हासिल कर लिया है बट दे आर नॉट गोइंग टू वर्ड्स निर्वाण ठीक है भगवान बुद्ध जैसा उनके पास एनलाइटमेंट आ गया है. दे आर एनलाइटेंड बट दे आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स निर्वाण उनका मेन पर्पज क्या है कि जो बाकी जनता है जो बाकी समाज है उनको भी वो एनलाइटमेंट प्रोवाइड कराना तो देवी तारा इज अ बोधि सत्वा ना छह स्टैचू हमें भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में देखने को मिली है ना मेरे पीछे आप जो मुद्रा देख रहे हो यह मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा है जब भगवान बुद्ध ने एनलाइटनमेंट हासिल करी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय पर भगवान बुद्ध ने यह सोचा मतलब भगवान बुद्ध ने सोचा नहीं उस समय आप देखोगे माया जिसको बहुत सारी जगह मूर भी कहा गया है काफी सारे लिटरेचर के अंदर तो भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट ना मतलब एनलाइटमेंट उन्हें ना प्राप्त हो सत्य का ज्ञान ना सत्य का ज्ञान ना प्राप्त हो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी फोर्सेस का इस्तेमाल किया भगवान बुद्ध के आसपास कोई नहीं था भगवान बुद्ध ने उस समय पर आप देखो यहां पर अर्थ को साक्षी मांगते हुए यह मुद्रा यह कहती है कि मैं अर्थ को साक्षी मानता हूं अर्थ इज द एविडेंस भूमि इज दी एविडेंस कि वो देख रही हैं कि मैं एनलाइटनमेंट हासिल कर रहा तो भूमि स्पर्श मुद्रा इज द जेस्टर ऑफ हैंड स्विंग फाइव फिंगर्स ऑफ राइट हैंड टूवर्ड्स अर्थ सिंबोलाइजिंग एनलाइटनमेंट ठीक है लीला लीलाधर आप कह रहे हो कि वेन ही किल डेविल दे, मारा नहीं किल नहीं भगवान बुद्ध के बारे में सबसे बड़ी बात यह भगवान बुद्ध ने किसी को मारा नहीं उन्होंने सबको अपना भक्त बनाया ठीक है चाहे किसी ने भगवान बुद्ध को कितना ही ज्यादा परेशान करने की कोशिश क्यों ना की थी ना मेरे पीछे अब आप एक अंपायर का पूरा मैप देख रहे हो ये 800 सी का मैप है 800 सेंचुरी का मैप है और हमें इस मैप में पाल डेनेस्टी पे फोकस करना देश डेनेस्टी इज दी पाल डेनेस्टी अब देखोगे पाल डेनेस्टी ना ये वाला ये वाला पूरा एरिया ये पाल डेनेस्टी का ना पाल डेनेस्टी रूल द रीजन ऑफ बंगाल बिहार अराउंड फोर हंड्रेड ईयरस है गो चार सौ साल पहले उन्होंने इस एरिए के ऊपर राज किया फ्रॉम एट सेंचुरी अंटिल द एंड ऑफ इलेवेंथ सेंचुरी पाल डेनेस्टी के पहले राजा का नाम था गोपाल एंड गोपाल वॉज अ बुद्धिस्ट ठीक है इसलिए जो पाल डेनेस्टी थी वो बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने में सपोर्ट कर रही थी दे यूज रिवेन्यू फ्रॉम द न्यू टैक्स कलेक्शन मेथड्स जिससे नए नए इनिशिएटिव्स को फंड किया जा सके जिससे बुद्धिस्ट का बुद्धिज़म का प्रमोशन हो सके बाकी सारी जगहों पर पाल रूलर्स फोलोड एन अप्रोच ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस क्योंकि बुद्धिज़म का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट होता है रिलीजियस टॉलरेंस है ना कि सारे धर्म एक साथ एग्जिस्ट करें दे ऑल्सो ग्रांटेड लैंड फॉर हिंदू टेम्पल्स एंड दे अलाउड हिंदू ब्राह्मणस टू होल्ड हाई ऑफिशियल पोस्ट इन दालकोट तो हमें यहाँ पर अगर वो एक धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं पाल डैनीस्टी वाले हमें ऐसा नहीं नज़र आता कि वो दूसरे धर्म को ना सपोर्ट करें नाउ यहाँ पर एक और चीज के बारे में बात हुई दैट इज मोनेस्ट्रीज मोनेस्ट्रीज क्या होते हैं नो मोनेस्ट्रीज आर दोस्त कॉम्प्लेक्स जहाँ पे मंक्स भिक्षु मेडिटेशन करते हैं और उस जगह पर रिसाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं दे दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज मोनेस्ट्रीज नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्तूप के बारे में बात करेंगे ना स्तूप आप लोग जब बनाते हो तो वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्तूप बनाते हैं ठीक है दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हम कुछ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे सबसे पहला बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है स्तूप स्तूप इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ही बेसिक लेवल पे हम कह सकते हैं भगवान बुद्ध के जो छोटी 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 चीज़ें हैं जो अवशेष हैं उनके ये बरियल माउंट्स द ओरिजिनल स्तूप कंटेन दी बुद्धाज एशेस जो जो भगवान बुद्ध के रेलिक्स हैं वो अलग अलग स्तूप्स में रखे जाते थे चाहे वो भगवान की बोन्स हों नेल्स हों हेयर्स हों वो सारी की सारी चीज इंडिया में बहुत सारे फेमस बुद्ध स्तूपाज हैं जैसे महाबोधि स्तूप सांची स्तूप शांति स्तूप धमेक स्तूप केसरिया स्तूप और महा स्तूप जो कि तोतला कुंडा में आर वेरियस स्तूप्स स्तूप्स के अलावा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हम विहारास और चैत्यास के बारे में भी पढ़ते हैं वेन एवर वी विल टॉक अबाउट विहारास, दीज आर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री दैट ऑल्सो कंटेन्ड अ रेजाइडिंग हॉल ऑफ मंक्स। तो विहारास, दीज आर बेसिकली रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर दीज आर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर नो चैत्य वट आर चैत्य न चैत्य आर असेंबली हॉल दैट कंटेन्ड अस्तू बेसिकली ये प्रेयर पर्पज के लिए या मीटिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होते थे फेमस चैत्य जैसे कार्ले के अंदर एक चैत्या है एशियंट बुद्धिस्ट इंडियन रॉक कट केव्स हैं कार्ले कार्ले वाली लोनावला महाराष्ट्र में फिर नासिक के अंदर चैत्य है जिसके 16 विहाराज और एक चैत्य हैं, फिर आपको जुन्नार का विहार भी आपको देखने को मिलता है सो दीज दी थिंग्स इतना सबको क्लियर है गाइस क्लियर इतना अभी हम लोगों ने जितना किया हाँ हॉस्टल कह सकते हो आप तो वो तो विहार विहाराज आ जाएंगे क्योंकि दे आर दे दीज रेजिडेंशियल थिंग्स अयोध्या राम टेम्पल थ्री स्टोरी स्ट्रक्चर विद नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर द नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बात हुई कि जो भगवान श्री राम का अयोध्या के अंदर मंदिर बनाया जा रहा है उसको नगर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में बनाया जाएगा ऑन द लाइन ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जिसके अंदर हम लोग थ्री स्टोरीज देख पाएंगे पिलर्स और डोम्स के साथ इट विल बी डबल द साइज ऑफ दी प्रीवियस प्लान डिजाइन तो यहाँ पर हम लोगों को आज हम लोग नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाई करेंगे नगरा स्टाइल इज मेनली एसोसिएटेड विद द लैंड बिटवीन हिमालयाज एंड विंध्यास बेसिक जो नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर है आपने जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ में एक कॉमन जो टेम्पल देखा है अगर आप उसका स्ट्रक्चर अपने ब्रेन के अंदर मानोगे तो आप वो भी इमेजिन करके समझ सकते हो जो बेसिक प्लान होता है नगरा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर का इट इज़ स्क्वायर इन स्ट्रक्चर विद अ नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड प्रोजेक्शंस रथकाज इन द मिडल ऑफ ईच फेज विच गिव्स इट अ क्रूसी फॉर्म शेप ियर को क्रूसी फॉर्म शेप देता है वैसे स्क्वायर होता है बट आपको पिलर्स वगैरह भी नजर आ जाएंगे जिससे वो थोड़ा अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म नजर आता है जो टेम्पल का टार होता है वो अक्सर अक्सर कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है या कन्वेक्स शिखर का स्ट्रक्चर होता है अक्सर जो आप स्ट्रक्चर देखोगे वो थोड़ा सा इस प्रकार का देखोगे दिस काइंड ऑफ दिस स्ट्रक्चर शिखर के अंदर बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं दीज आर कार्व्ड लेयर्स इट इज क्राउंड बाय अमालखा बाय स्टून एक अमालखा होता दो बेसिक फैक्टर ऑफ स्टाइल हमें देखने को मिलते हैं या तो वो फॉर्म शेप होते हैं या कर्बुलनिया शिखर होते हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स के अंदर पहले जो टेम्पल्स थे उन्हें सिंगल प्रोजेक्शन में बनाया जाता था उस समय प्लान को त्रिरथ प्लान कहते थे धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया टेम्पल आर्किटेक्चर चेंज होता गया जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल है उसका भी हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिला तो देखो भाई कोई भी अगर टेम्पल है हमारे कोई भी बेसिक टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके हमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं जैसे गर्भगृह गर्भगृह छोटा क्यूबिकल विद अ वेरी स्मॉल एंट्रेंस ठीक है जैसे जैसे टेम्पल के बिल्कुल एकदम आप कह सकते हो एंड में बिल्कुल शिखर के नीचे आपको गर्भगृह हाउस ऑफ द आइडल द वूम्ब हाउस आपको देखने को मिलता है मंडप हम लोगों ने कल भी पढ़ा था है ना इट इज़ द एंट्रेंस टू द टेम्पल फीचर स्पेस होती है जहाँ पर वर्शिपर्स इकट्ठे होकर वर्शिप कर सकते हैं हॉल होता है फिर शिखर या विमान इट इज़ अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर जिसको पावर सेंटर भी हम लोग कहते हैं फिर अंतराल होता है द मंडप इन फ्रंट ऑफ गर्भगृह इज नोन एज अंतराल फिर एक महामंडप होता है विद वेरी वेरी लार्ज हॉल्स फिर अर्ध मंडप भी होता है एक छोटा मंडप होता है और होता है एक प्रदक्षिणी पथ जिसके चारों तरफ आप यहाँ पर चक्कर लगाते हैं ठीक है चलिए दिस वॉज ऑल फॉर टूडे मतलब आज के सेक्शन में इस वाले में हम लोग अगले सेक्शन में आगे बढ़ते हैं दी छ मास्क. मास्क आप मेरे पीछे पिक्चर भी देख पा रहे हो गए छिलेशन डांस से है डांस विद इट्स मार्शल ओरिजिन एंड स्ट्रेनुअस बॉडी मूवमेंट वॉज स्ट्रिक्टली गार्डेड मेल डोमेन पहले छह डांस सिर्फ और सिर्फ मेल परफॉर्म करते थे आज की डेट में तो डांस मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म करते जो शब्द है छ वो छुआनी या कैंप से आया है जो आर्ट फॉर्म है इट वाज इन्वेंटेड टू कीप फुट सोल्जर्स वॉर रेडी मतलब उनके अंदर जोश और जुनून बनने भरने के लिए ये आया था यस yes, बर्फी मूवी में इसको शो किया गया था बिल्कुल सही बात है द मार्शल मूवमेंट एंड मॉक फाइट्स धीरे धीरे डांस की शेप लेने लगी और ये डांस छोटा नागपुर प्लेटू के अराउंड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया बेसिक स्टोरीज रामायण महाभारत और पुराना की हमें देखने को मिलती है डांस ड्रामा सब देखने को मिलता है और छह डांस झारखंड वेस्ट बंगाल ओडिशा सब जगह परफॉर्म किया जाता इवन गाइस कोविड नाइन्टीन के समय पे, कोरोना वायरस के समय पे पर डांस का इस्तेमाल झारखंड वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया कि लोगों को पता लगे कि कोविड नाइन्टीन की वजह से क्या क्या हो सकता छ हमारी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट का भी पार्ट है ऑल दो छ के काफी सारे वेरियंट्स होते हैं जैसे पुरुलिया छ मयूरभंज छ सेरा केला छ बट इनके बारे में ओवर डिटेल्स इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू इनके बारे में ओवर डिटेल्स आप लोगों के लिए अभी करेंटली जरूरी नहीं है ठीक है चलो मूविंग ऑन अगले सेशन के अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं जली कट्टू टू बी कंडक्टेड इन तमिलनाड बिथ रेस्ट्रिक्शन जलीकट्टू पिछले दो साल से न्यूज में है तमिलनाड की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि जलीकट्टू को कंडक्ट किया जाए पोंगल सीजन के समय पर बट रेस्ट्रिक्शंस के साथ विद द व्यू ऑफ कोविड नाइन्टीन सवाल आता है व्हाट इज़ जलीकट्टू जलीकट्टू होता क्या है जली जलीकट्टू इज़ अ डिस्प्यूटेड ट्रेडिशनल इवेंट जहां पर एक बुल रिलीज किया जाता है इनटू अ क्राउड ऑफ पीपल और बहुत सारे ह्यूमंस पार्टिसिपेट करते हैं सब बुल के हम्प को पकड़ने के लिए बुल की बैक को पकड़ने के लिए अपने दोनों आर्म से पार्टिसिपेंट मस्ट राइड लॉन्ग टू रिमूव द फ्लैग्स ऑन द बुल्स हॉर्न इस तरीके का ये होता है अब इसको दोनों एंगल से देखा जा सकता है देखो इसका जो कल्चरल एंगल है वो तो है ही पर बार बार कोर्ट इसके ऊपर बैन लगा देती है एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर और ये बहुत सारे ह्यूमंस को भी हार्म कर सकते जलीकट्टू इज टिपिकली प्रैक्टिस्ड इन तमिलनाडु, खासकर पोंगल वाले दिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट लॉ को स्टक करके जली कट्टू को बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नोट किया दैट एनी फ्लाउटिंग ऑफ द बैन शुड रिजल्ट इन पेनल्टीज फॉर क्रुवैलिटी टू एनिमल अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुविटी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960 जनवरी 2019 ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया कि जलीकट्टू के ऊपर कोई बैन नहीं है पर कुछ रेस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी लगा दी थी ठीक है याद रखना पोंगल के समय पर जलीकट्टू को मनाया जाता है ना बट पोंगल के बारे में थोड़ी सी चीजें कर लेते हैं अबाउट पोंगल न पोंगल इज ऑल्सो रेफर टू एज थी पोंगल इट्स अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इट इज नथिंग बट अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इट इज ऑब्जर्व्ड एट दफ़ द मंथ अकॉर्डिंग टू दी तमिल सोलर कैलेंडर इट इज डेडिकेटेड टू दन गॉड या सूर्य देव को यह पूरी तरीके से डेडिकेटेड है करस्पॉन्ड टू दी मकर संक्रांति ठीक है द फोर डेज ऑफ द पोंगल फेस्टिवल आर कॉल्ड भोगी पोंगल सूर्य पोंगल मट्टू पोंगल और कन्नुम पोंगल तो पोंगल के भी अलग अलग वेरियंट्स हैं मूविंग ऑन थोल पावा कुथू ना ये इंपॉर्टेंट है है ना पपेट्री पपेट्री से काफी टाइम से सवाल नहीं आया एंड दिस काइंड ऑफ अ पपेट्री था जैसा शार्डो पपेट्री ट्रेडिशनल पपेट्री ऑफ केरला थोल पावा कुथू पद्मश्री अवॉर्डी रामचंद्र पुलुवर को अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जैसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इवन पपेट फेस्टिवल अक्रॉस दी वर्ल्ड उनको उन्होंने रिकॉग्निशन दिलाया थोल पवा कुत्थू को जो कि ट्रेडिशनल पेपेट्री है हमारे केरला की ना इसमें होता क्या है इट इज अ शेडो पपेट्री नाउ ये आपको याद रखना है इसके अंदर दे आर यूजिंग शेडो केरला के अंदर इसे प्रैक्टिस किया जाता है इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग लेदर पपेट्स इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग लेदर पपेट्स दिस इज परफॉर्म्ड एज अ रिचुअल डेडिकेटेड टू भद्रकाली माता भद्रकाली को डेडिकेट करते हुए परफॉर्म किया जाता है द आर्ट इज परफॉर्म्ड इन देवी टेम्पल्स इन स्पेशली बिल्ड थिएटर जिनको कोथु कोथुमंड कहते हैं ठीक है दिस आर्ट फॉर्म इज स्पेश पॉपुलर इन पलक्कड़ थिरुसुर और मलमपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला याद रख लेना स्टार लगा देना इस पे थोल पावा कुथू इंपॉर्टेंट है आपके आर्ट एंड कल्चर में मेनली क्या होता है यहाँ पर जो अलग अलग श्लोक लिखे हुए हैं उनको रिक्रिएट करते हैं परफॉर्मर्स अ फुल ऑफ थोल पावा कुथू परफॉर्मेंस स्टेज ऑल द एपिसोड्स ऑफ दम्ब रामायण हैज़ अ स्क्रीन पीस ऑफ वाइट क्लॉथ बिहाइंड विच पपेट्स परफॉर्म देअर थिंग्स यहाँ पर चेंदा मंडलम इजुफरा, इस तरीके के जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबका इस्तेमाल किया जाता है और जो लेट पपेटियर होता है उसी को ही पुलावुर के नाम से जाना जाता है ठीक है और यहाँ पर जो पपेट्स होते हैं उनको भी वेजिटेबल डाइस से बनाया जाता है एंड दे आर मेड अप ऑफ दी गोड स्किन और डियर स्किन ठीक है स्किन की मदद से उनको बनाते हैं चलिए गाइज अब जो मैं आपके लिए सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ हम लोग अब आधा घंटा लगभग मॉडर्न इंडिया के कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में कवर अप करने वाले हैं जो हमारे लिए हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 2020 में या 2021 में किसी का सेनेटरी सेलिब्रेशन थी किसी के 100 ईयर हुए थे किसी के 125 ट्वेंटी ईयर हुए थे किसी के 200 हंड्रेड ईयर हुए थे या किसी इवेंट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके सामने आके रिकॉग्नाइज किया या वो इवेंट अपने आप में फेमस हो गया क्योंकि जब आपके मॉडर्न इंडिया से सवाल आएंगे तो भी इन्हीं सब चीजों से रिलेट होते हुए आएंगे ठीक है इन्हीं सारी की सारी चीजों से रिलेट होते हुए आपको सवाल देखने को मिलेंगे सो गाइस फोर्थ ऑफ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन हंड्रेड थीयर सेलिब्रेट हुए चौरी चौरा के हंड्रेड थीयर सेलिब्रेशन ऑफ चौरी चौरा एट गोरखपुर उत्तर प्रदेश Now, चौरी चौरा क्या हुआ चौरी चौरा इज अ लैंडमार्क इवेंट लैंडमार्क इवेंट फोर्थ ऑफ 1922, एक ऐसा गांव जिसको कोई जानता भी नहीं था और आज तक हम लोग उस गांव के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो जो हमारा गांव है इट इज रिस्पॉन्सिबल कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोकना पड़ा हाय एवरीवन uh, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई नो ईशू चलिए सो वी आर टॉकिंग अबाउट चौरी चौरा एक लैंडमार्क इवेंट एक ऐसा गांव जिसके बारे में किसी को खबर भी नहीं थी बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कह सकते हो हॉल्ट करने के लिए गांव रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि इस गाँव के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस ने फायर ओपन कर दी और उसके बाद चौरी चौरा के लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी इन रिटालिएशन जो लोग थे उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी द इंसिडेंट लेड टू द डेथ ऑफ थ्री सिविलियंस एंड ट्वेंटी टू पुलिसम महात्मा गांधी जी पूरी तरीके से वॉयलेंस के खिलाफ थे ये बहुत बड़ा कारण था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर उसी समय रोक लगा दी तो जो चौरी चौरा का इवेंट था इट वाज द डायरेक्ट रिजल्ट चौरी चौरा इवेंट वाज दी डायरेक्ट रिजल्ट जिस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर रोक लगाई गई अब चौरी चौरा का जो इवेंट हुआ और उसके बाद की जो जो चीजें हुई कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन के ऊपर रोक लगा दी वो हमें क्या बताता गांधी जी का फेथ मास मोबिलाइजेशन पे तो था ही बट ही वॉन्टेड कि मास मोबिलाइजेशन भी हम लोग नॉन वायलेंस प्रिंसिपल्स पे करें महात्मा गांधी जी ने पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया कि किसी भी तरीके से वायलेंट एक्टिविटीज का इस्तेमाल नहीं होगा और महात्मा गांधी जी ने यह भी दिखा दिया कि अगर कहीं पर भी एक परसेंट भी वायलेंस होगा तो ही विल टेक द इनिशिएटिव टू कॉल ऑफ इवन अशनल लेवल मूवमेंट ना एक और हम लोग बेहतरीन चीज के बारे में बात करेंगे दैट इज दलियावाला बाग जलिया वाला बाग ऑन एप्रिल्स ऑफ अन आर्म्ड मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन वर गन डाउन बाय ब्रिटिश ट्रूप एट जलियावाला और जलियावाला को पूरे एक सौ एक साल हुए नाउ दिस मेसेका वॉज वन ऑफ द मोस्ट बार्बरिक एक्ट बाय ब्रिटिश कलोनियलिस्ट इसको हम लोग वन ऑफ दी मोस्ट बारबरिक एक्ट कहते हैं सबसे खतरनाक सबसे कहते हैं सबसे ज़्यादा वायलेंट एक्ट बाय ब्रिटिशर्स क्योंकि वहाँ पर लोग बैसाखी वाले दिन अपने दुख दर्द बांटने के लिए इकट्ठे हुए थे कुछ भी वायलेंस वहाँ पर नहीं हो रहा था उस समय मिलिट्री के कमांडर थे कर्नल रेगिनार्ड डायर टू क्रैश द रेबेलियन इसीलिए उन्होंने इनोसेंट प्रोटेस्टर्स को गन डाउन करने के लिए ऑर्डर देते है डायर मार्च्ड अ फोर्स ऑफ 90 गोरखास एंड इंडियन सोल्जर्स इनटू एनक्लोजर एंड विदाउट वार्निंग ही ओपन फायर फॉर अबाउट 10 टू 15 मिनट्स ऑफिशियल फिगर के हिसाब से जलियावाला बाग में 379 वर किल्ड एंड 1200 पीपल वर वोंडेड नाउ अब व्हाट led to this particular massacre क्या-क्या कारण -क्या हुए दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ ब्रिटिश हु कंट्रोल वास्ट एम्पायर इन इंडिया उन्होंने इस चीज को एग्री किया कि इंडियंस को लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट देनी चाहिए ठीक है क्योंकि इंडियंस हमारा सपोर्ट कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन में दिस रिफॉर्म्स वर नेम्ड एज मोटेगु चैम्स रिफॉर्म्स नाइनटीन नाइनटी जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वॉयस्टर ऑफ इंडिया ने साथ में मिलकर प्रॉमिस किया कि सेल्फ गवर्नमेंट आपको दी जाएगी हाउ जैसे जैसे समय बीतता गया ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पास किया रॉलेट एक्ट एक तरीके का आप लोग हमारे देश में इंप्लीमेंट तो ऑल बहुत सारे एक्ट हो रहे थे सेडिशन को लेकर अगर कोई एक्ट लिंक करता है तो वो रॉलेक्ट एक्ट सो दे द ड्रैकोनियन रॉलेट एक्ट विच अलाउड सर्टेन पोलिटिकल केसेज टू बी ट्राइड विदाउट ट्रायल एंड द ट्रायल वॉज ऑल्सो टू बी कंडक्टेड विदाउट जूरीज बिना जजेस के ट्रायल चल रहा है द एक्ट वॉज डिजाइन टू रेथलेसली सप्रेस ऑल पोलिटिकल डिसेंट की कोई भी सरकार के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी ना बोले रोलट एक्ट विजाइन टू रिप्लेस देंस ऑन पोलिटिकल एक्टिविटीज दैट हैड बीन एम्बॉइड इन कॉलोनियल रूल्स जिसको डिफेंस ऑफ इंडियन रूल्स कहते हैं इसके बाद क्या हुआ बहुत प्रोटेस्ट हुआ महात्मा गांधी जी भी आए और रोलेट सत्याग्रह किया है ना और उसके बाद फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया और उसके बाद फिर जलियावाला बाग सो दिस इज़ द इवेंट इसके बाद हुआ क्या जो तो मैसेकर की जो न्यूज़ थी उसको सब ने डिसअप्रूव किया इवन विंस्टर चर्चिल ने भी बोला कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट एक मॉस्टर्स इवेंट के रूप में विंस्टर चर्चिल ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया अ कमिटी अंडर लॉर्ड हंटर वॉज डिजाइंड लॉर्ड हंटर वॉज अ स्कॉटिश जज ही वॉज अ स्कॉटिश जज ठीक है उनके अंडर एक कमिटी बनाई गई उन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी डायर अपियर बिफोर इट कि डायर अपने आप को डिफेंड कर सकें बट कंक्लूजन बहुत ही नॉन हैपनिंग था उनको अवार्ड भी दिया गया जनरल डायर को उन्होंने मतलब बहुत बड़ी मूवमेंट को रोका जैसे और इससे क्या हुआ हमारे देश में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो स्पार्क ऑफ हो गई इसकी वजह से हमारे देश में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्पार्क ऑफ हो गई जो डायर के एक्शन थे दे वर प्रेस्ड बाय दी गवर्नर ऑफ पंजाब सर माइकल और डायर एंड ही वाज मेड एन ऑनररी सिख द एल्डर्स ऑफ द गोल्डन टेम्पल डायर डाइड इन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन बट ऊधम सिंह जी ने यहाँ पर बदला लेते हुए सर माइकल ओ डायर को असैसीनेट किया गांधी जी ऑल्सो कंडेम्ड हिज एक्शन एज सेंसलेस बट इन सम क्वार्टर इन इंडिया ही वॉज प्रेस्ड एज हीरोइक मार्टर। ऊधम सिंह याद रखना माइकल ओ डायर जिन जिनको ऊधम सिंह जी ने असैसिनेट किया था मारा था वो गवर्नर थे पंजाब के जिन्होंने प्रेस किया था जो यहाँ पर मैंने आपको नाम बताया ना कर्नल रेगिनल्ड डायर ही वॉज द पर्सन जिन्होंने यहाँ पर ऑर्डर दिया था क्लियर गुड चलो मूविंग ऑन रिमेंबरिंग पेशावर्स किस्सा खवानी बाजार में से कर Hey guys, 90 years हो गए पेशावर के किस्सा खानी बाजार मैसेकर को द मैसेकर वॉज पर्परेटेड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स अगेंस्ट नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर ऑफ खुदाई खिदमत कार ना आप लोगों ने खुदाई खिदमत कार के बारे में सुना ही है तो हम लोग आज थोड़ा उनके बारे में पढ़ने वाले हैं खुदाई खिदमतकार वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ना ये चीज आपको याद रखनी है। खुदाई खिदमत गार वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेड बाय अब्दुल गफ्फार खान ही वॉज अ पश्तून फ्रीडम फाइटर इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस समय जैसे आगे बढ़ता रहा मूवमेंट एक्वायर्ड मोर पॉलिटिकल कलर लीडिंग टू द ब्रिटिश टेकिंग नोटिस ऑफ इट्स ग्रोइंग प्रोमिनेंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया गया बाकी सारे लीडर्स के साथ नाइनटीन में ठीक है और उसके बाद फॉर्मली खुदाई खिदमत कार्ड की जो पूरी मूवमेंट थी उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया ठीक है पहले उन्होंने ऑल दो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से सपोर्ट की डिमांड करी पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया था इसलिए दे डिसाइडेड कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जाएंगे यहाँ पर सब लोग रेड शर्ट ब्राइट रेड शर्ट पहनकर और विमेंस जो थी वो ब्लैक गारमेंट पहनकर प्रोटेस्ट करते थे इसीलिए खुदाई खिदमतकार की जो मूवमेंट थी उसको रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी हम लोग हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर जानते हैं क्लियर क्लियर एवरीवन वन अभी किस्सा खुआनी बाजार क्या है अब्दुल गफ्फार खान और बाकी सारे जो लीडर्स थे खुदाई खिदमत के उनको अरेस्ट कर लिया गया था रिस्पेक्टेड लीडर वेल नोन फॉर इज नॉन वायलेंट वेज अब्दुलगफ़्फ़्फ़्फ़ार खान सरेस्ट प्रोटेस्ट इन नेबरिंग टाउन जिसमें से पेशावर भी था और वहाँ पर जो किस्सा खानी बाज़ार है वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगा ब्रिटिश सोल्जर्स मार्केट में घुस गए क्राउड्स को बाहर निकालने के लिए पर लोगों ने मना कर दिया कि वो नहीं छोड़ेंगे ब्रिटिश आर्मी व्हीकल ड्रोव इन टू दी क्राउड बहुत सारे प्रोटेस्टर को गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया और उसके बाद फायर भी ओपन कर दी गई अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स के ऊपर ये भी एक बहुत ही खतरनाक मैसेकर था इस मैसेकर के बाद क्या हुआ इन रिस्पॉन्स मूवमेंट बिगन इन्वॉल्विंग यंग विमेन जो कि डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के खिलाफ आने लगी खुदाई खिदमतगार के एक्टिविस्ट चालू हो गए ब्रिटिश सब्जेक्टेड द मूवमेंट टू हरासमेंट अब्यूज टैक्टिक्स कहीं और भेज देते थे उन्हें सब में फिजिकल वायलेंस करते थे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करते थे महिलाओं को रिक्रूट होना स्टार्ट कर दिया ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के बाद हुई क्लियर एवरीवन ठीक है हाँ जी चलिए ना पगड़ी संभाल दिवस एज अ अब देखो फार्मर प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है और फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस को सेलिब्रेट किया गया तो इसलिए पगड़ी संभाल दिवस हमारे लिए भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है पगड़ी संभाल जट्टा एक फार्मर एजिटेशन था उस समय भी तीन एक्ट थे जो कि ब्रिटिश हुकूमत ने पास किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थ्री यहां पर लॉज पास किए थ्री फार्म लॉज पास किए थ्री फार्म रिलेटेड एक्ट पास किए 1907 के अंदर जैसे पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट पंजाब लैंड कोलोनाइजेशन एक्ट और दायोबारी एक्ट और ये जो मूवमेंट थी इसको लीड कर रहे थे अजीत सिंह जी अजीत सिंह जी शहीद भगत सिंह जी के अंकल हैं अजीत सिंह जी के साथ भगत सिंह जी के पापा किशन सिंह भी इस मूवमेंट का पार्ट थे और घसीटा राम जी भी इस मूवमेंट का पार्ट थे और ये मूवमेंट धीरे धीरे एक अपनी डिग्निटी की मूवमेंट बन गई और इस मूवमेंट को हम लोग पगड़ी संभाल मूवमेंट के नाम से जानने लगे पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट और यहां पर आपने बहुत सारी भगत सिंह की मूवीज में ये वाला गाना भी सुना होगा पगड़ी संभाल जट्टा वो असलियत में बांके दयाल जी की एक पोयम से लिया गया है जो कि 1907 की एक रैली में उस पोयम को यूज किया गया ए स्लोगन ठीक है इसलिए पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट अजीत सिंह जी के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले, ले लेते हैं न अजीत सिंह जी वॉज बॉर्न इन ट्वेंटी थर्ड ऑफ जनवरी एटीन एटी वन उस समय पर वो जलंधर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था अभी वो नवा शहर का डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है नाइनटीन जीरो थ्री वॉयस राय थे लॉर्ड कर्जन ही इन्वाइटेड ऑल द किंग्स एंड प्रिंसेस कि वो ये माने कि वो ब्रिटिश राज की तरफ अपना यहाँ पर एलिजियंस शो कर रहे हैं ठीक है नाइनटीन जीरो सिक्स में अजीत सिंह ने पार्टिसिपेट किया कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर और वहाँ पे उन्होंने बोला कि कांग्रेस के जो मेथड हैं कि वो डायरेक्टली पीपीपी पे ही फोकस करती रहती हैं पे प्रेयर पटिशन है ना उन्हीं पे ही फोकस करते रहते हैं तो वो चाहते थे कि इससे बाहर निकल के कुछ काम किया जाए इटली के अंदर ही क्रिएटेड आज़ाद हिंद लश्कर ऑफ इलेवन थाउजेंड आर्मी मैन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इटली में मिले थे स्विट्ज़रलैंड में इंटरेक्टेड विद लेडी हरदयाल सॉरी लाला हरदयाल एंड चंपक रमन पिल्लई ही ऑल्सो मेट लेनिन, टॉस्ट्रॉय एंड मोजिलिनी जिससे भारत को आजाद कराया जा सके क्लियर क्लियर एवरी वन चलो एक और हम लोग सिग्निफिकेंट मूवमेंट यहां पर न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन ऑन विजयनगर किंग्स डेथ महाराज कृष्ण देव राय विजयनगर किंग कृष्णदेव राय जी की किस समय पर मृत्यु हुई उसका पहला एपिग्राफिक रेफरेंस हमें देखने को मिला कर्नाटका के तमाकुरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब ये इंस्क्रिप्शन क्या बताता है कृष्णदेव राय वन ऑफ ग्रेटेस्ट टेम्पर ऑफ इंडिया हु रूल्ड फ्रॉम द साउथ डाइड ऑन अक्टूबर सेवनटीन फिफ्टीन टवेंटी नाइन एंड इंसिडेंटली दिस डे वॉज मार्क्ड बाय अ लूनर एक्लिप्स कृष्णदेव राय वॉज दन ऑफ नागला देवी एंड तुलुवा नरसा नायक तुलुवा डेनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय फादर कृष्णदेव राय इस डेनेस्टी के थर्ड रूलर थे तुलुवाज बेसिकली वैश्वाइट थे भगवान विष्णु की पूजा करते थे कृष्णदेव राय इज ऑल्सो नोन एज आंध्र भोज या कन्नड़ राज्य रमन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कृष्ण और तुंगभद्रा बेसिन के बीच का पूरा इलाका हासिल कर लिया था विठल स्वामी टेम्पल विठल स्वामी टेम्पल भी कृष्णदेव राय ने बनवाया हजार राम टेम्पल भी बनवाया था जो कि दोनों ही हौसला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं अपने एरिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने डैम्स बनाना चालू किया और इरीगेशन कैनाल्स बनाना चालू किया ही सेटअप अ सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद हिमसेल्फ एज दी एब्सोल्यूट हेड एंड ही ट्रस्टेड एड्स एज गवर्नर्स ऑफ स्मॉल प्रोविंस आठ तेलुगु उन्होंने स्कॉलर्स थे उनके पास पोएट्स थे अपनी कोल्ट में जिनको वो अष्ट दिगाज अष्ट दिग्जास के नाम से जानते थे ठीक है तो विजयनगर अंपायर ये वाला पूरा अंपायर विजयनगर अंपायर था आप मेरे पीछे देख सकते हो ठीक है ये वाला पूरा अंपायर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा विजयनगर अंपायर था क्या हो गया कि क्या प्रॉब्लम हाँ भाई एपिग्राफिक का मतलब क्या होता है कोई चीज जो कि सामने लिखी हुई दिखाई दे हमारे सामने दिखाई दे रही हो ठीक है सुजीत क्लियर है इतना क्यों टेंशन लेना एक बार ही पूछ लिया बात खत्म ठीक है सो so, चार डेनेस्टी थी इसलिए में संगम सुलोवा तुलुवा और अराविडो और यहीं पे है हम्पी हम्पी इज वन ऑफ दी वर्ल्ड फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट <coughs> चलिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की फायर ब्रैंड फ्रीडम फाइटर एंड ऑफ प्रण स्वराज और टोटल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की हंड्रेड एनिवर्सरी ऑगस्ट फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी को थी बाल गंगाधर तिलक जी ही वॉज अ स्कॉलर राइटर मैथमेटिशियन एंड अ फिलोसफर उनको ये जो लोकमान्य नाम है वो उनके फॉलोअर्स ने दिया था जिसका मतलब है बिलव्ड लीडर उन्होंने अपनी पढ़ाई डेक कॉलेज पुणे से करी उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में लॉ पढ़ने पहुंच गए मेन उनका मकसद ये था कि कॉमन लोगों को भी इंग्लिश की जानकारी प्राप्त हो सके लोकमान्य तिलक जी ने दो अखबारों को एडिट भी किया जिसमें बहुत फ़ेमस न्यूज़पेपर हैं दोनों केसरी इन मराठी एंड महारत या इसको कुछ महार्टा कहते हैं इन इंग्लिश ठीक है और वो कहते थे कि पेन इज अ वेपन टू क्रिटिसाइज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास हथियार है वो आपका खुद का पेन है बाल गंगाधर तिलक टायरलेसली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू तो हेल्प द कंट्री ब्रेक फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ठीक है लाल बाल पाल का वो पार्ट थे उनको द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट ही was imprisoned अ नंबर ऑफ टाइम्स मांडले जेल के अंदर भी गए थे उन्होंने एक फेमस किताब भी लिखी है जिसका नाम है गीता रहस्य ठीक है द एनालिसिस ऑफ योग वाई जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन याद रखना जवाहरलाल नेहरू लोकमान्य तिलक जी को बोलते थे कि ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन महात्मा गांधी जी लोकमान्य बाल तिलक जी को द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना ठीक है चलिए पूर्ण स्वराज बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ इंडिया इंडस्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज नहीं उठाई उन्होंने जनरल पब्लिक को भी फोर्स किया ठीक है पूर्ण स्वराज की तरफ ऑन ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी नाइनटीन थर्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इलेक्ट्रीफाइंग रिजोल्यूशन डिक्लेयर पूर्ण स्वराज दैट इज कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश राज नेशनल कांग्रेस लाहौर में मिलती है दिसंबर 1929 रावी नदी के किनारे और वहां पर जवाहरलाल नेहरू इलेक्टेड एज पार्टी प्रेजिडेंट और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का यहां पर सबको स्लोगन दिया वन ऑप्शन बिफोर द कांग्रेस वॉस टू डिमांड डोमिनियन स्टेटस बट कांग्रेस ने बोला नहीं अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज के बारे में बात करें क्लियर क्लियर एवरी वन जल्दी से बताओ इतना क्लियर है सबको चलिए इनटैक मधुराई लॉन्च रेप्लिकाज ऑफ पांडियन कॉइन एज सोवेनियर तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो दिज आर लाइक दी कॉपी ऑफ पांडियन कॉइंस, ठीक है तो इनटैक ने इसको रिलीज किया है ना पांडियन कॉइंस के बारे में खास बात क्या थी जो पांड्या किंगडम के जो कॉइंस थे ज़्यादातर कॉपर के थे और वो डाई की मदद से बनाए जाते थे ऑल दो तो सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे द कॉइंस ऑफ पांड्याज वर बेसिकली स्क्वायर इन स्ट्रक्चर द कॉइंस वर विद फाइव डिस्टिंग इमेजेस ऑन वन साइड एंड ऑफन एन इमेज ऑफ एन एलिफेंट ऑन दैट साइड ऑन अनदर साइड फिश आपको देखने को मिल जाएगी एलिफेंट गरुड़ बुल इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी शुरू में पांडियन कॉइन रेक्टेंगुलर हुआ करते थे जहाँ पे नंदे बुल भी दिखाए जाते थे ठीक है सिल्वर और गोल्ड कॉइन में आपको संस्कृत या तमिल ब्राह्मी में भी लिखा हुआ मिल जाएगा तो लेटेस्ट कवर अबाउट दी पांड्या डानेस्टी पांड्या डाइनेस्टी को पांड्याज ऑफ मदुरई के नाम से भी हम लोग जानते हैं पांड्याज का मेंशन सम्राट अशोक के थर्ड सेंचुरी बीसी के एक इंस्क्रिप्शन में के अंदर भी है कि उन्होंने बताया हुआ है कि साउथ इंडिया में चोर यहाँ पे चेराज थे पांड्याज थे चोल थे तो उनके बारे में, में मेंशन है दी पांड्याज रूल्ड एक्सटेंसिव टेरेटरीज एट टाइम्स इंक्लूडिंग द लार्ज पोर्शन ऑफ द प्रेजेंट ए साउथ इंडिया एज वेल एज श्रीलंका मधुराई वॉज द कैपिटल ऑफ दिस पांड्या किंगडम एंड दिस पांड्या किंगडम ऑल्सो सपोर्टेड जैन्स ठीक है जैन्स को भी सपोर्ट किया पांड्याज उसके बाद दे प्राउडली अक्लेम टू बी द डिस ऑफ भगवान शिव एंड गोडस पार्वती रॉक कट और टेम्पल आर्किटेक्चर पांड्या आर्किटेक्चर का भी बहुत फेमस है विमानंद विमान और मंडप सॉरी विमान और मंडप ये कुछ फीचर्स पांड्या टेम्पल्स के बहुत ज़्यादा फेमस है जैसे मीनाक्षी टेम्पल है वो भी पांड्यास का बनाया हुआ ही एक टेम्पल है क्लियर ना एक स्कीम करते हैं नाम है हेरिटेज स्कीम अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट के अंदर ये स्कीम आती है इस स्कीम में है क्या स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलाबरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द हेरिटेज याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये नहीं आती है. ठीक है दिस इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलाबरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मेन मकसद ये है कि हमारे देश के अंदर जो कंपनीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं पब्लिक सेक्टर में हैं ट्रस्ट हैं एन हैं इंडिविजुअल्स हैं वो मोन्यूमेंट मित्र बन सकें मोन्यूमेंट मित्र मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकें उसके जो आसपास का एन्वायरमेंट है उसको डेवलप कर सकें उसके आसपास की जो एम्यूनिटीज़ हैं उनको डेवलप कर सकें ये मेन मकसद है तो जो मोन्यूमेंट मित्र होंगे दे आर सिलेक्टेड बाय अ कमेटी ओवरसाइट और विजन कमेटी यहाँ पर काम करती है जिसके अंदर टूरिज्म सेक्रेटरी और कल्चरल सेक्रेटरी होते हैं और ये देख कर कि कौन सी कंपनी या कौन सी कितनी ज़्यादा जैसे टेंडर देते हैं उसी तरीके से ये लोग सेलेक्ट करते हैं ठीक है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा आज का ये लास्ट सेक्शन है नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की लॉन्च करी जैसे इंटरनेशनली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम यूनेस्को चलाता है यूनेस्को का एक प्रोग्राम है द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम ठीक है उसी प्रोग्राम से इंस्पायर होकर हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे देश में भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की हम लोग एक लिस्ट लेकर आ रहे हैं इंडिया के जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट का पार्ट हैं वो इन नंबर थर्टीन वो इन नंबर हमारी थर्टीन चीजें हैं तेरह चीजें हैं जो इसका पार्ट है ठीक है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर मदद कर रही है कि इंडिया के लिए भी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की एक लिस्ट बनाई जा सके और वो लिस्ट सबके सामने जल्द ही आ जाएगी न एएसआई के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं ए एस आई ज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्क डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इट वर्कस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है और ये मॉन्यूमेंट्स को हमारे मेंटेन करती है आर्कोलॉजिकल साइट्स को मेंटेन करती है जो भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रिमेंस हैं उनके बारे में बात करती है एनशियट मॉन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट नाइनटीन में जो भी प्रोविजनस हैं उनको डील करती है एज वेल एज़ हमारी एंटीकटीज़ एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट नाइनटीन से भी ये डील करती है ठीक है न यहाँ पर जब इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के बारे में बात हो ही गई है तो भी हम लोग सबसे पहले वही कवर अप कर लेते हैं जल्दी से कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में कौन कौन से हमारे पार्ट हैं ठीक है वी हैव ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग्स वी हैव ट्रेडिशनल वैदिक चैनटिंग्स 2008 में आई थी वी हैव रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण ठीक है वो इसका पार्ट है बेसिकली बेस्ड ऑन तुलसीदास रामचरित्र मानस हम लोग परफॉर्म करते हैं देन यू हैव कोटियट्टम कोटियाट्टम इज अ संस्कृत थिएटर कुटियाट्टम इज अ संस्कृत थिएटर बिलोंगिंग टू केरला याद रखना देन यू हैव रमन रमन एक रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर है गढ़वाल हिमालय का देन यू हैव अडियट्टू मुडियट टू एक डांस ड्रामा है किसका केरला का नहीं बताओ ये सब चीज़ें साथ साथ लिख लेना ट्रेडिशनल वैदिक चंडिंग रामलीला कुटियाट्टम रमन और मुडियट्टू इसके साथ साथ कलबेलिया फोक सॉन्ग्स डांस ऑफ राजस्थान 2010 में ऐड हुआ था डांस के हम लोगों ने आज ही पढ़ा है ईस्टर्न इंडिया के अंदर परफॉर्म किया जाता है देन यू हैव बुद्धि चैटिंग ऑफ लद्दाख जहाँ पे सीक्रेट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को रेसाइट किया जाता है देन यू हैव संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग डांसिंग ऑफ मणिपुर यू हैव ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स जो कि यहाँ पर जड़ियाल गुरु पंजाब के जो हैं उनके ठढेराज जो हैं उनसे बिलोंग करते हैं एंड देन यू हैव योग योग के बाद यू हैव नवरोज मतलब द न्यू ईयर ऑफ पारसीज एंड यू हैव द कुंभ मेला ठीक है इसके बाद है कुंभ मेला तो हमारी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज भी हो गई चलो हमारा आज का आखिरी टॉपिक कर लेते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर और, और चाक को यूनस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर एड ऑन कर दिया गया नाउ ग्वालियर को नाइन्थ सेंचुरी के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था गुर्जर पतिहार राजवंश के राजाओं ने तोमर राजाओं ने भागेल किंगडम्स ने कछवाओं ने सिंधियाज ने ग्वालियर के अंदर कंट्रीब्यूट किया है ग्वालियर इज नोन फॉर इट्स पैलेसेज एंड टेम्पल्स ठीक है वहाँ पे एक सास बहू का मंदिर भी है दर इज़ अ टेम्पल नोन एज सास बहू का मंदिर ठीक है ग्वालियर फोर्ट ऑक्यूपाइज अट स्टोन प्लाट्यू ओवर लुकिंग द सिटी ठीक है विद इन द फोर्ट हाई वॉल्स आर देयर ठीक है यहाँ पर आपको गुजारी महल भी देखने को मिल जाएगा जो कि आज की डेट में आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है और का इज पॉपुलर फॉर इट्स टेम्पल और चाह पॉपुलर फॉर इट्स टेम्पल एंड पैलेसेज जो कि बुंदेला किंगडम से बिलोंग करते हैं फेमस स्पॉट्स आपको राज महल जहांगीर महल राम राजा टेम्पल राय परवीन महल लक्ष्मी नारायण मंदिर वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसका इंक्लूजन वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर हुआ उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है हिस्टोरिकल स्पॉट्स का जैसे मानसिंह पैलेस हुआ गुजरी महल हुआ तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं केमिकली डील कर रहे हैं ठीक है थीके? उनको केमिकली ठीक किया जा रहा है इसके साथ साथ गाइस ये सिंगापुर के अंदर जो स्ट्रीट हॉकर कल्चर है वो भी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में ऐड हो गया जो स्ट्रीट्स में अलग अलग ठेले लगा लेते हैं जो आपको इंडिया में भी स्ट्रीक हॉकर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो सिंगापुर का जो है बना जाता है कि वो सिंगापुर के अंदर ओरिजिनली ओरिजिनेट हुआ था वो सिंगापुर का एक लाइक इनडेलिबल पार्ट है सिंगापुर की स्ट्रीट टाइफ का पार्ट है और उस हॉकर कल्चर को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का पार्ट माना गया ठीक है तो ये आपके लिए आज का सेशन था सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे गाइज डू नॉट फॉरगेट दैट द प्राइज आर गोइंग टू राइज फ्राम फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट ऑनवर्ड तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो सो दिस इज़ वन ऑफ द लाइक बेस्ट टाइम टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन यू नीट टू यूज दि यूज द डिस्काउंट कोड दैट इज़ एम एस लाइव ठीक है कोई डाउट किसी को हाँ जी बताइए नई चीज़ें सीखने को मिली ज़रूर सेशन को शेयर करें अपने अपने दोस्तों के साथ इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहें मैं आप लोगों से मिलूँगा बहुत ही जल्द अपने अगले यूट्यूब सेशन के साथ सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड बाय बाय टेके